चली गए यहां से। लेकिन भावनी बोली, दीदी तू मुझे देती या न देती लेकिन मुझसे ऐसे शब्द ना कहती। क्या बोलूं? और देखिए हमारे भैया प्रवेश चैतन्य के परम मित्र मनीष भैया और लालू लाले यादव, लाले यादव जो इस समय सुकावास से आ रहे हैं, हाल नवाज सुकावास से, इन्होंने मुझे 1101 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है। इनके लिए भी जोर से ताली, ऊंचे हाथ करने पड़ेंगे, ऊंचे करके बजाइए। बड़े अच्छे बाबा भाता लाले ने हमारा सम्मान किया है। मैं भैया इतना ही कहूंगा, राधा रानी लाले भैया के जीवन में खुशियों के दीपक सदैव जलाती नहीं। क्या बोली भावनी? समय के अनुसार आज उसी समय बंधुआ दूसरी पड़ोसन को दया आ गई। दया उसी को आती है जिसने जीवन में कष्ट देखे होंगे बंधुओं।
जीवन में कष्ट देगा होगा, वो दूसरे का दर्द जानता होगा, दूसरे का दर्द जानता होगा। और दर्द वही जानता है जिसने गरीबी को देखा। माता बहनों भाई बंधुओं, आज दूसरी ने जवाब दो सुशीला, अरे नेक देर पहले आ जाती तो हम तुम्हें बहुत दे देते, लेकिन काय को रो रही हो। बोले दीदी, जब मेरी बहन मुझसे ऐसे शब्द गए जो आज हमसे बर्दाश्त नहीं हुए, आज भगवान कोई गरीबी न देता तो आज मैं क्यों दर दर की ठोकरें खाती। और माताओं इसीलिए कहते हैं, जीवन में धन बहुत इकट्ठा कर लोगी, लेकिन जीवन में तुम अपना धर्म कभी जीवन में नहीं इकट्ठा कर पाओगे। और एक बात कह दूं मेरे बुजुर्गों, सच बात कड़वी लगती है, ये जमाना मेरा इतना दूषित हो रहा है, इतना दूषित कि नौजवान करें तो करें, जो 45-45 साल की माताएं अपने चार चार बच्चों को छोड़ करके दूसरे के संग भाज गई। तुमने अपने पिया की देहरी को लात मार दिया, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया। वो आज अपनी आंखों से देख रहा हूं, तुम लोग बताओ तुम नहीं देख रहे हो, बताओ तुम नहीं देख रहे हो। अरे आज नौजवान पीढ़ी, तुम अपने बच्चों में क्या संस्कार दोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम 45 साल की हो गई, 15 साल बाद तुम्हारे मरघट पेड़ा देख रहे हैं, और तू यौवन के पीछे तू दूसरे के संग में भाज गई। इसलिए याद रखना, जीवन में अगर धर्म है तो सब कुछ है, और अगर धर्म चला गया ना तो जरा से सुख के पीछे एक दिन वो लात मारेगा, तुम्हारी आंखों के आंसू पहुंचने वाला कोई जीवन में पैदा नहीं होगा, याद रख लेना। भाइयों, भाभी थोड़े से चावल साफ करके लाई तो कितने चावल निकले? केवल बंधु 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी चावलों को लेकर के चली है सज्जनों, भाई राधे खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, और जब चलने को तैयार हुए, एक बात और कह दूं मेरे बुजुर्ग, मैया दादा मेरी बातों को बुराई मत कहना। क्यों बुराई मत करना? क्योंकि मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मैं तो चला जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर में 10-20 मिनट बाद, लेकिन ये तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, और मन की तरंगे मार ले रे बंदे बस हो गया भजन। ध्यान दे लेना माताओं भाइयों, एक बात कह दूं,